बहुत सलाम अलैकुम। अच्छा, मेरे पास में एक अभी GPS ट्रैकर है, ये FMB 920 का है, ये इसका मॉडल नंबर है FMB 920। अभी मैं इसको कार में इंस्टॉल करने लगा हूँ अपनी, और देखते हैं इसमें कैसे इंस्टॉल करते हैं। बहुत इजी, इतना मुश्किल नहीं है इसमें। ये इसका देखिए, लेफ्ट साइड में जो है इसका डायग्राम मिल जाता है। इसमें टोटल 5 केबल्स हैं इसमें। ओके, इसमें रेड जो है, रेड एंड ब्लैक एंड येलो, हम ये 3 वायर यूज़ करेंगे और 2 छोड़ देंगे, वो हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये इसकी केबलें मैं दिखा देता हूँ। ये केबलें हैं, ये इसके कनेक्शन की केबल है। ये रेड वाली जो है वो पॉजिटिव है, ओके, और ब्लैक जो है वो नेगेटिव है। ये डायरेक्ट बैटरी से कनेक्शन होते हैं इसके, और येलो वाली जो है वो इग्निशन के लिए। ठीक है, इग्निशन के साथ में हम इसको कनेक्शन करेंगे। और ये वाइट और ग्रे जो है, ये रिले के साथ में कनेक्शन होते हैं, तो हम रिले के साथ में करेंगे नहीं इसके, हमको सीधा सिंपल लगाना है इग्निशन से। ओके, सबसे पहले तो इसको करते हैं अनबॉक्स, इसके कवर खोलते हैं। ये FMB 920 का है, ठीक है। ओके, इसको करते हैं, मैं इसको ओपन करता हूँ, देखते हैं इसमें अंदर क्या क्या मिलता है हमको। इसका ये अंदर एक तो इसमें छोटी सी बैटरी मिल जाती है, ठीक है। तो बैटरी असल में ये कनेक्ट नहीं होती है, जब आप इसको नया फर्स्ट टाइम लगाओगे तो ये बैटरी आपको खुद कनेक्ट करना पड़ेगी, ये बैटरी कनेक्ट नहीं होती। ओके, सिम ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल हुआ है, क्योंकि कंपनी ने बताया कि सिम ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, तो सिम का मुझे इसमें माइक्रो सिम लगता है, ठीक है। ये बैटरी है, ठीक है, बैटरी कनेक्ट हो गई है हमारी। अभी ये देख सकते हैं इसके कनेक्शन कैसे, ऐसे ही लगा सकते हैं इसको बैटरी को। ओके, तो अभी फ़िलहाल तो ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि जब इसके कनेक्शन हुए तभी ऑन होगा। ओके, बैटरी मैंने इसकी कंप्लीट कनेक्ट कर दी है, फिक्स कर दी, ठीक है, कनेक्शन करके आप इसको ऐसे फिक्स कर सकते हैं। ओके, बाकी इस उसके बाद में फिर इसको लगाना है गाड़ी में। ये मैंने इसको बंद कर दिया, चलिए हम इसको लगाते हैं गाड़ी में और फिर दिखाते हैं इसको चला के। ओके, कैसे चलता है ये। ओके, अच्छा, पहले ये वाला GPS था लगा हुआ इसमें, ये वाला ट्रैकर है, ये देखिए चालू है, लेकिन ये अभी ख़त्म हो गया इसका, ठीक है, सिम भी ख़त्म हो गया इसका, और ये GPS भी ख़राब हो गया, टूट गया, ठीक है, और उसका सिम भी एक्सपायर है। तो अभी हमको इसकी जगह ये वाला लगाना है, ठीक है जी। तो हम इग्निशन की वायर कैसे देखेंगे, ठीक है। अभी तो पहले तो मैं इसकी बैटरी की वोल्टेज दिखा देता हूँ। ये मैंने मीटर की एक केबल जो है वो ब्लैक में ऑलरेडी ग्राउंड में कनेक्ट करके रखी हुई है, दूसरी मैं ये लगाता हूँ पॉजिटिव में, ठीक है, मीटर की। तो यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट आ रहे हैं, 12.8 वोल्ट DC, इतने ही चाहिए इसको GPS के लिए। ओके, बैटरी के इतने होते हैं, तो हमको ये तो बैटरी की केबल तो मैं, ठीक है, तो अभी मैं इग्निशन की चेक करता हूँ, ठीक है। इग्निशन की इसमें वाइट केबल है ये, तो अभी देखिए यहाँ पर इसमें ग्राउंड से और वाइट में कोई वोल्टेज नहीं है। ओके, अभी इग्निशन इसका ऑफ है, तो मैं जैसे इग्निशन इसका, गाड़ी का इग्निशन देखिए ऑफ है अभी, मैं ऑन करता हूँ जैसे ही, ये इग्निशन ऑन हो गया। और यहाँ पर मैंने इसके वोल्टेज चेक किए ब्लैक से वाइट में, ये देखिए 12 वोल्टेज आ गए, तो मीन्स हमारी ये वाइट वाली जो है इग्निशन की केबल है। ओके, तो हमको GPS की इग्निशन की केबल इसमें लगाना है, बाकी 12 वोल्ट उसमें लगाना है, दोनों वाइट और रेड में। तो आप अपनी, आपकी जो भी कार है उसमें आपकी जो स्विच से जो केबल आते हैं इग्निशन की, उसमें से एक आपके इसके ड्राइंग में भी होते हैं, उसमें चेक कर सकते हो और ऐसे ही फाउंड करते हैं, ठीक है। आप ग्राउंड से इग्निशन की एक केबल में इसमें कनेक्ट करोगे तो ऑफ पे वोल्टेज नहीं दिखाएगा, ऑन पे वोल्टेज आने चाहिए इसमें, ठीक है। अभी ये ऑन है तो वोल्टेज आ रहे हैं, ये देखिए इग्निशन ऑन है, मैं ऑफ कर। अच्छा, GPS हमारा जो है, ट्रैकर जो हमारा कनेक्ट हो गया है, ठीक है। ये इसके कनेक्शन ऐसे, ये वाइट जो है ग्राउंड में, ब्लैक जो है वो ग्राउंड में, और रेड जो है वो पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव में मैंने एक फ्यूज़ भी लगाया हुआ है, ये 2 एम्पियर का। ओके, 2 एम्पियर का फ्यूज़ है, वो सेफ्टी के लिए अच्छा होता है। ओके, और क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट कनेक्शन है बैटरी के, उससे मतलब ऑन ऑफ का कोई सिस्टम नहीं है इसमें बैटरी वाले में, या GPS में ऑन ऑफ होता भी नहीं है, बैटरी कनेक्शन डायरेक्ट होते हैं, ठीक है। तो एक फ्यूज़ लगा सकते हो उसमें 1 एम्पियर और 2 एम्पियर का, ये मैंने 2 एम्पियर का लगाया हुआ है, ये ठीक है। और ये येलो की जो GPS की इग्निशन की केबल है वो यहाँ इसमें कार में जो है वो वाइट है। ओके, इग्निशन की केबल, तो ये इग्निशन की केबल हमने वाइट लगा दी, ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुई भी है इसमें। ओके, रेड जो है वो बैटरी की पॉजिटिव है, ब्लैक जो है वो ग्राउंड है, और येलो जो है वो इग्निशन की केबल है। ओके, येलो वन। ओके, और ये हमने 2 केबलें ये छोड़ी हुई हैं, ड्राई वाइट और ग्रे, ये हमको नहीं चाहिए क्योंकि ये रिले कनेक्शन है, तो रिले के नहीं चाहिए। देखिए GPS चालू भी हो गया। ओके,
ये लाइटें इसमें ब्लिंक कर रही हैं, तो अभी ये चालू है, ऑन है, मतलब वर्क कर रहा है। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी, लगाने का कोई दिक्कत नहीं। बस आपको इग्निशन की केबल जो है वो, अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हो तो इग्निशन की केबल फाउंड करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है बस, लेकिन इतना कोई मुश्किल नहीं है। ओके, बहुत ईजी लगाने के लिए 10 मिनट लगते हैं टोटल सारे लगाने के लिए। ये देखिए काम कर रहा है अभी, LED इसमें ब्लिंकिंग कर रही है, और ये इसका इग्निशन ऑफ है, ठीक है गाड़ी का, लेकिन फिर भी ये काम कर रहा है, क्योंकि ये बैटरी की केबल इसमें डायरेक्ट होती हैं GPS में, और डायरेक्ट ही लगाना चाहिए। अगर ऑफ होगा तो GPS लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। अगर कोई आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके।